इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए अपने वीडियो भाषण में अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पाल ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के विवादास्पद मुद्दे को उठाया। दरअसल पैसे बचाने के लिए अमेरिकी कंपनियां अपने काम भारत में करवाना पसंद कर रही हैं। इससे अमेरिकियों के लिए नौकरियां कम हो रही हैं। अमेरिका में चुनावी साल की वजह से नौकरियों के भारत आने को विपक्ष ने उछाल दिया है। लिहाजा पाल ने राजनीतिक मजबूरियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारत बीपीओ का फायदा उठाना चाहता है तो उसे पहले अपने बाजारों को अमेरिकी एक्सपोर्ट्स के लिए और खोलना होगा। The United States market remains much more open to Indian firms and their products than is the Indian market to U.S. trade and investment. The American people, and I must be candid, the American people will find it less difficult to accept outsourcing if India helps generate more American jobs by supporting trade liberalization in the World Trade Organization and by further opening its markets to U.S. exports. बीपीओ पर विवाद को छोड़ दें तो पाल ने अपने भाषण में भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार सुधार पर जोर ही दिया। पाल ने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर काम करना चाहता है और वो शांति कोशिशों का समर्थन करता रहेगा। वे अगले हफ्ते दक्षिण एशिया के दौरे पर आने वाले हैं।